हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर की चटपटी सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू, टमाटो प्यूरी, मैंने टमाटर पीस के रख लिया है, मेरे कुछ मसाले, अदरक का पेस्ट, हींग, कसूरी मेथी। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, मेरा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, हिला लेंगे जीरे को, फिर इसके अंदर डालेंगे अदरक का पेस्ट, हींग और टमाटर की प्यूरी जो बनाई है मैंने। अब इसमें मसाले डालूंगी मैं अपने, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। और थोड़ी देर ढक के धीमी आंच पे रख देंगे। अब हम चेक करेंगे मसाला भून गया है कि नहीं। बहुत अच्छा रंग आया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया। देखिए, अब मैं इसमें अपनी कसूरी मेथी डाल दूंगी। और अब जो मैंने आलू पहले से बॉईल करके रखे हैं उनको फोड़ के डालूंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मैं आलू कैसे हाथ से फोड़ के डाल रही हूँ। इस तरीके से हम आलू को फोड़ के डाल देंगे और इसी तरह सारे आलूओं को मैं फोड़ के डाल दूंगी। काट के नहीं डालना, वो स्वाद नहीं आएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मसाले में आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस तेज करके इसमें पानी डालेंगे। तेज मैंने इसलिए बोला कि अब इसमें उबाला आएगा तब हम इसे ढक के रखेंगे सिम पर। अब उबाला आने का इंतजार करेंगे हम इसके। पानी ज्यादा नहीं भरना है इसके अंदर। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, मैं इसे ढक के रख दूंगी धीमी आंच पे। अब हम चेक करते हैं हमारी सब्जी हो गई है कि नहीं। देखिए, गाढ़ी हो चुकी है अभी। अब हम गैस बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, रंग भी कितना अच्छा आया है। इसे आप पूरी, पराठे, कचौड़ी के साथ खा सकते हैं, मक्का की रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।